हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट बचा हुआ था उसे हम अब कंप्लीट करेंगे। और जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियो बेसिक इलेक्ट्रिकल की नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा कलर कोडिंग है वो शायद छूट गया था, हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें हम फिगर बना रहे हैं। ये चार बैंड के लिए है, ए बी सी डी। ये है टोलरेंस और ये है मल्टीप्लायर। और ये फर्स्ट डिजिट और एक है सेकेंड डिजिट। जो हमारा एक ट्रिक है बी बी रॉय कलर कोडिंग याद करने के लिए, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है ब्लैक, ये है ब्राउन और ये है रेड, रेड और ये है ऑरेंज, ऑरेंज ये है येलो और यहाँ पर है ग्रीन और ये है ब्लू, ये है वायलेट और ये यहाँ पर है ग्रे, ये यहाँ पर है ग्रे और ये है वाइट। तो इस तरीके से कलरों के नाम हैं। और टोलरेंस, टोलरेंस गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए और कलरहीन यानी नॉन कलर, नॉन कलर। गोल्ड के लिए होता है 5% और सिल्वर के लिए होता है 10%, अगर कलरहीन है तो 20%। और इसके बाद में हम अब करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अब हम मिटा देते हैं, करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें दो प्रकार से आते हैं, पहला जिसमें कलर दिया रहता है, दिया है ब्राउन, क्वेश्चन है ब्राउन, ब्लैक और रेड और नन, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके लिए तुम्हें कलर कोडिंग बताना है। देखो अभी जो हमने बीबी रॉय पढ़ा था उसमें बी जो शुरुआत का था वो ब्लैक था और बाद में था ब्राउन, तो बीबी रॉय यानी ये पड़ेगा तुम्हारा 1 पे और ब्लैक 0 पे। और रेड कितने पे पड़ता है, देखो बीबी रॉय ये पड़ रहा है 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे, 1 2 3। तो राय यानी रेड 2 पर पड़ रहा है, तो यहां पर जो लिखेंगे 10 की पावर 2 और नन के लिए ±20%, यानी 10 यहां पर कितना लिख लेंगे 1000 ±20%, इसको हम लिख सकते हैं 1 के ±20%।
तो एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको वैल्यू दी रहती है। इसमें वैल्यू दी है जैसे 47,000 प्लस माइनस 10%। अब देखो ये तुम्हारा है फर्स्ट डिजिट और ये है सेकंड डिजिट। कभी भी इन वैल्यूओं को पॉइंट में इनको नहीं बनाना है। यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 47 और जो 10 इसे लिख सकते हैं 10^3 प्लस माइनस 10%। अब देखो 4 पे क्या आएगा, यानी कि एलो आएगा। हम यहां लिख लेंगे एलो एलो। 7 पे बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड। 5, 6, 7 आ रहा है वायलेट यानी कि आसमानी। और 3 पे क्या आता है ऑरेंज ऑरेंज। अब प्लस माइनस 10% गोल्ड के लिए होता है 5%, 10% किसके लिए होता है सिल्वर के लिए। तो तुम्हारी कलर कोडिंग ए आ जाएगी इसका आंसर। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेटवर्क, व्हाट इज द नेटवर्क और व्हाट इज द सर्किट, कि नेटवर्क क्या होता है सर्किट क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो हमने यहां पर नेटवर्क लिख लिया है नेटवर्क और हमने लिख लिया सर्किट। नेटवर्क सर्किट व्हाट इज द नेटवर्क व्हाट इज द सर्किट। जैसे कि ये दिया गया है R1, R2 और ये V और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है और यहाँ पर ये सर्किट है। देखो नेटवर्क के लिए कंडीशन ये है कि नेटवर्क में कोई क्लोज पाथ हो भी सकता है और नहीं भी, बट सर्किट में क्लोज पाथ होना ही चाहिए और इसमें कोई ना कोई एक्टिव सोर्स भी होना चाहिए। बट नेटवर्क में कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कोई सोर्स हो या ना हो, इसे हम क्या कह सकते हैं नेटवर्क, और इस पूरे को भी हम नेटवर्क कह सकते हैं। बट जो ये पार्ट दिया गया है इसको हम क्या कहेंगे सर्किट, यानी कि सर्किट तुम्हारा क्लोज पाथ होना चाहिए बट नेटवर्क के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इसमें क्लोज पाथ हो भी सकता है नहीं भी, यानी कि हम सर्किट को नेटवर्क कह सकते हैं बट इसका रिवर्स नॉट फॉलो, इसका रिवर्स ऑलवेज नॉट फॉलो। सर्किट को हम नेटवर्क कह सकते हैं बट नेटवर्क को हम सर्किट सदैव नहीं कह सकते हैं। अगर क्लोज पाथ है तो हम उसे सर्किट कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम जंक्शन लूप मेश नोड, इसके लिए हम एक फिगर ड्रा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोड, व्हाट इज द नोड। देखो नोड वो पॉइंट है जहां पर दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलते हैं, जैसे बी पॉइंट पर एक एलिमेंट मिल रहा है, एक एलिमेंट मिल रहा है और एक ए मिल रहा है, यानी कि बी क्या है नोड है। और डी पॉइंट पर देखो तो एक ए मिल रहा है और एक ए मिल रहा है और एक ए मिल रहा है, यानी बी नोड है और डी भी नोड है। उसके बाद में देखते हैं कि ए पॉइंट पर ए मिल रहा है और ए मिल रहा है, यानी ए भी नोड है। और सी पॉइंट पर देखते हैं एक इधर मिल रहा है, यानी दो या दो से अधिक,
तो सी भी क्या है, नोड है। अब डी 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 पर तो एक ए मिल रहा है और एक ए मिल रहा है और एक ए मिल रहा है, यानी कि ए बी सी डी ये चारों पॉइंट क्या है, नोड है। यानी कि नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलते हैं। नोड के बाद में जंक्शन, जंक्शन वह बिंदु है जहां पर तीन या तीन से अधिक एलिमेंट मिलते हैं, जैसे बी बिंदु पर एक दो और तुम्हारा तीन, यानी तीन या तीन से अधिक मिलते हैं। बी क्या है, बी पॉइंट जंक्शन है। और डी पर एक दो और तीन, बी और डी। अगर हम ए पर देखें तो दो एलिमेंट ही मिल रहे हैं और सी पर देखें तो हमें दो ही एलिमेंट मिल रहे हैं, यानी कि हमारे जंक्शन यही पॉइंट है बी और डी। और इसके बाद में पॉइंट है ब्रांच, जहां पर दो या दो से अधिक जंक्शन मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। अब देखो बी पॉइंट पर बी ए डी, ये क्या है, ब्रांच बी ए डी। और इधर बी सी डी, बी सी डी। और बी और डी ये भी क्या है, ब्रांच है, क्योंकि यहां पर तीन या तीन से अधिक बिंदु मिलते हैं। तो इस वाले पॉइंट को भी हम क्या कहेंगे, और इस पे भी देखो मिल रहे हैं एक दो तीन, यानी कि ए भी ब्रांच है, ए भी ब्रांच है और ए भी ब्रांच है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लूप, लूप इसमें कितने बन रहे हैं, देखो एक ए लूप बन रहा है और एक ए लूप बन रहा है और एक पूरा लूप बन रहा है। तो सबसे पहले हम ए बी डी ए, ए बी डी ए, और दूसरा कौन सा है, बी सी डी बी, बी सी डी बी, और कौन सा लूप बन रहा है, पूरा ए बी सी डी, ए बी सी डी डी और ए, यानी कि इसमें तीन लूप बन रहे हैं। अब बात आती है मेस की, देखो मेस इसमें कितनी है, दो है, एक तो ए है और एक ए है। लूप को किसी दूसरे लूप में डिवाइड किया जा सकता है, बट एक मेस को दूसरे मेस में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लूप में हम ए वाला पार्ट भी ले लेते थे, बट मेस में ए वाला पार्ट नहीं लेंगे। यानी कि लूप को हम डिवाइड कर सकते हैं दूसरे लूप में, बट एक मेस को दूसरे मेस में डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि इसमें मेस है दो, ए बी डी और ए, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी बी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्टिव सोर्स, पैसिव सोर्स, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव सोर्स, वे एलिमेंट जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे सेल या बैटरी। और पैसिव एलिमेंट, जो ऊर्जा का लॉस करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमारा सोर्स की भी तरह बिहेव करता है, बट इसे हम पैसिव एलिमेंट में ही रखते हैं, क्योंकि ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल एलिमेंट वे एलिमेंट जिसका मान सोर्स की पोलरिटी चेंज करने पर बदल जाता है, जैसे तुम्हारा यह है डायोड, यह है डायोड और यह है बैटरी। अगर हम बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दें तो ये जो डायोड है इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिलेटरल एलिमेंट। इसमें लिख लीजिए जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर और एससीआर।
इसके बाद में हम पढ़ेंगे बाइलेटरल, बाइलेटरल एलिमेंट। वे एलिमेंट जिनकी पोलरिटी यानी जिनमें सोर्स के टर्मिनल को चेंज करने पर उनका मान चेंज नहीं होता है, जैसे रेजिस्टेंस। अगर हम बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दें, टर्मिनल को चेंज कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर? नहीं पड़ेगा। तो लिख लो जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। इसके बाद में हम ग्राफ से जानेंगे लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव और पैसिव, यूनिडायरेक्शनल और बाईडायरेक्शनल एलिमेंट के बारे में। देखो एक एक ग्राफ दिया गया है, तो इस ग्राफ में सबसे पहले हम लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये लीनियर ही होगा। पासिंग थ्रो पासिंग थ्रो ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये लीनियर होगा। और अगर लीनियर है तो बाई डायरेक्शनल होगा 100%। लीनियर तो बाई डायरेक्शनल होगा। और एक्टिव और पैसिव के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे V अपान I की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि V भी पॉजिटिव है और I भी क्या हमारा पॉजिटिव है। यहां पर अगर हम देखेंगे किसी भी पॉइंट पे तो V अपान I की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि A भी निगेटिव है और A भी निगेटिव है, इसलिए A पॉजिटिव अगर R है तो पैसिव होगा, पैसिव। इसके बाद में एक A कर्व दी गई है और एक ए दी है, इसमें बताना है कि कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है, यूनिडायरेक्शनल और बाईडायरेक्शनल। देखो सबसे पहले तो ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, ओरिजिन से अगर पास नहीं हो रहा है तो ये नॉन लीनियर होगा, लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर है तो ये बाईडायरेक्शनल नहीं होगा, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। और अब रेजिस्टेंस देखते हैं, देखो इधर अगर हम देखेंगे तो R पॉजिटिव आएगा, अब इस साइड में देखेंगे ये वाला हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये एक्टिव है। अब इसमें देखते हैं ओरिजिन से तो ये पास नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, नॉन लीनियर है। और क्या देखना है, यूनिडायरेक्शनल, अगर नॉन लीनियर है तो ये क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल। और एक्टिव पैसिव, यहां पर आर क्या है, पॉजिटिव है और इधर क्या है, निगेटिव है, यानी कि ये एक्टिव होगा। फिर इसके बाद में हम बढ़ेंगे अब नेटवर्क थ्योरम यानी केवीएल केसीएल की तरफ, उसके बाद में सुपरपोजिशन, नॉर्टन प्रमेय, थेवेनिन की प्रमेय, यानी हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की तरफ अब बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे केसीएल यानी किरचाफ का धारा संबंधी नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है। जैसे यह सर्किट दिया गया है, तो इस वाले पॉइंट पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होगा। अगर ए आई वन इधर जा रही है और ए आई टू इधर आ रही है और ए वाली आई थ्री इधर जा रही है, तो आई वन, आई वन बराबर आई टू प्लस आई थ्री,
यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, या हम ऐसे लिख सकते हैं आई वन माइनस आई टू माइनस आई थ्री इक्वल टू जीरो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे केवीएल। केवीएल और एक कि जो धारा का नियम केवीएल था, केसीएल एक किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लिख लेना केसीएल, केसीएल आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद में केवीएल ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले तो ए इस नियम के अनुसार क्या है कि अगर कोई ये सर्किट है, किरचाफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी धारा परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग तथा उसमें फ्लो होने वाली करंट तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे इसमें बैटरी V लगी है, अगर दो तीन बैटरी लगी होती तो उनका बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा ई प्लस, अब इसमें जो फ्लो होने वाली करेंट आई सिग्मा और इसमें जो रेजिस्टेंस है आई आर का गुणनफल, इसका बीजगणितीय योग जीरो होता है। जैसे कि इसमें अगर हमें केवीएल लगाना है तो ये क्या है, इधर ओपन सोर्स है, ऐसे एक लूप बनेगा, तो वी वी अगर हम वी को माइनस ले लें और इसको हम प्लस लेते हैं, प्लस आई इसमें से करंट फ्लो हो रही है आई, तो आई आर वन प्लस इसमें भी सेम ही करंट होगी क्योंकि हमने यहां से आई माना है, आई आर टू इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, वी अभी इसको हम इधर ले जाएंगे, आई ले लेते हैं कॉमन, आर वन प्लस आर टू। तो इस तरीके से हम किरचॉफ का वोल्टता संबंधी नियम लगाते हैं। और इसके बाद में हम इस पे जो केवीएल है केवीएल पर क्वेश्चन करेंगे और केसीएल पर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, सुपरपोजिशन, इन चीजों के बारे में भी जानेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके जो केवीएल और केसीएल है इस पर हम क्वेश्चन करेंगे।